नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर अजोसी ग्राम सभा में। इसमें चर्चा है 2022 का चुनाव का। हर नेता अपना गांव में जाकर अपनी राजनीति की जो चर्चा है कर रहे हैं जनता के बीच में। और हमारे बीच हैं डॉक्टर मनोज यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रधान संगठन जौनपुर। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कीमती समय दिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ादी। आज मुझे मौका मिला, बजरंगबली जी का आदेश हुआ रात में, तो मैं इनका दर्शन करने चला आया। इस पावन धाम पे आने के बाद हमको बेहद खुशी और बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा है अगर हम लोग जिस लायक रहते हैं, इस मंदिर के लिए खड़े भी रहते हैं। मंदिर हमें, हम मंदिर नहीं बनाते, मंदिर हमें बना देता है। हम चाहते हैं कि सदियों का जो मंदिर पूर्व पुराणों का है, ये बेहतर और अच्छा हो और यहाँ के लोगों का कल्याण हो। अक्सर मैं देखता हूँ समाजवादी सरकार जो कार्य की है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में है, नाम चेंज कर कर विकास का मुद्दा दिखा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो पूरी जनता जान रही कि क्या कर रहे हैं ये। और जितने कार्य 2012 से 2017 तक हुए हैं, जो प्रणित कार्य हैं, ये शायद जो हम अभी तक जितनी सरकारें आई हैं, इतना बेहतर कार्य नहीं दे पाए जितना अखिलेश यादव ने कार्य दिया है। इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के अग्रसर पर ले जाने के लिए कोई कार्य किया था तो वो है सिर्फ अखिलेश यादव जी, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी दो दिन पहले मैं ABP गंगा पर एक न्यूज़ देख रहा था, माननीय लकी यादव जी समाजवादी पार्टी से मल्हनी के विधानसभा से विधायक हैं, और अपना दल से लीना तिवारी जी मड़ियाहो विधानसभा 370 से विधायक है। दोनों के बीच में डेबिट हो रहा था। लीना तिवारी जी कहती हैं कि हमारे यहाँ गड्ढा मुक्त सरकार है, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो लगभग जब से नवनिर्वाचित प्रधान साथी और BDC साथी, जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख जी हुए हैं, तब से लगातार मैं निकल रहा हूँ। और एक नहीं, मैंने 12 ब्लॉकों तक अब तक टच कर चुका हूँ, और खेत खेत, खलिहान खलिहान, बाजार बाजार तक, और उनके घरों तक जाने का काम किया हूँ। कुछ अभी तक जितने भी हमारे नवनिर्वाचित जो प्रधान साथी हैं, उनके घर तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, मैं तो वो देखा हूँ। और जो PWD की रोडें बने हुए हैं ये, और NH की रोडें जो नेशनल हाईवे बने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो 2012 में जो कार्य हुए हैं, बस वही कार्यों का वही है। इसके बाद इसके अलावा न एक गिट्टी कहीं लगा हुआ है, न डामर लगा हुआ, न कोई रास्ता बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो लीना तिवारी जी ने कहा है, तो वो स्वाभाविक बात है, जिस पार्टी से आती हैं उसी का ही गुणगान गाएंगी। और ये जो लकी यादव जी ने जो कहा था कि कागजों पे भाजपा चल रही है, तो वो सत्य कहे उन्होंने, वो गलत कुछ नहीं कहे। उनके पास कागज ही कागज पे नाम है, जमीन पे, धरातल पे, पटल पे कुछ नहीं है, ये सत्य बात है। 2022 के चुनाव में फिर BJP आ रही है, राम के ऊपर चुनाव लड़ेगी, हिंदू के ऊपर चुनाव लड़ेगी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? राम भक्त जो है, और राम हमारे जो है, वास्तव में हम उनको मानते हैं, हम लोग के जो भगवान हैं वो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो कहने वाले राम भक्त जो कह रहे हैं कि हम राम भक्त हैं, ये राम भक्त अगर होते हैं तो राम जी के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। और ये राजनीति करने का विषय नहीं है। आज उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश को कैसे आगे ले जाना है विकास कार्य में, उसको देखना होगा। शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, विद्यालयों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अभी हाल में इतना ज़बरदस्त हम लोगों ने उत्तर प्रदेश ने पूरा देश या पूरा विश्व झेला है, और विश्व भी तो स्टैंड कर गए, मगर हमारा देश जो है अभी स्टैंड नहीं कर पाया है इस कोरोना महाकाल से। सुनने में आ रहा है कि तीसरा फेज भी आ रहा है, तीसरे फेज में आने का कोई ऐसा नहीं है कि कोई तैयारी इनकी पास है। आज भी देख लीजिए, शिक्षा भी बहुत ज़्यादा गिर गया है, न तो ये ऑक्सीजन जिसको नहीं दे पाए, जिनको परे, मतलब कि जो कहें, अगर ये हिंदू कहते हैं, हिंदू के माध्यम से हमें नहीं लग रहा है कि किसी की जो है अंतुष्टि भी हुई होगी, 100 भी जलाए गए होंगे आज तक। राम नाम के जो राम कपड़ा था, वो भी जो हम उसके ऊपर डाल दिया गया, पूरा तैरता रह गया पूरे पानी में, और 100 को जो हम खरोच खरोच के कुत्ते खा गए। आप ये बताइए, ये ऐसा तो मंजर हम लोगों ने हॉलीवुड के पिक्चरों में देखा था, ऐसा मंजर हम लोगों ने यहाँ नहीं देखा था, जो मंजर देखने को मिला ये योगी की सरकार में, ये मोदी की सरकार में। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश में जब से ये 2014 में आए हुए हैं, ये अकाल पड़ा हुआ है, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे अरे अस्पताल और शरीर के बारे में लेके हो, चाहे मानसिकताओं के बारे में लेके हो। हमारा ये देश जो है गंगा जमुनी की तहजीब की है देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अपने भाई भाई हैं, हम जात नहीं देखते हैं। जात बिरादरी छोड़ो, बाद में विकास कैसे आएगा इसकी बात करो।
मैं सर अक्सर क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, देखता हूँ गाय मर जाती है, बड़े नहर में प्रवाहित कर देते हैं, नदी में प्रवाहित कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की दावत लाखों करोड़ों रुपए हम खर्चा करते हैं गौशाला पर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत सही रिपोर्टिंग आपकी है। यहीं बगल में जाएंगे पहसना, हमारे यहाँ भी गौशाला बना हुआ है। दिन दहाड़े जो गैया जो है, जो माँ है, उनकी अगर पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है, वो डोल नहीं पा रही है, अगर वो जमीन पर पड़ गई तो कुत्ते जिंदा खा जा रहे हैं। ये ऐसी सरकार है जो गाय के नाम पर इन्होंने राजनीति किया है, आज उसी गौ माता को रहने के लिए ठिकाना नहीं दे पा रहे हैं। और वो गाय जो बारिश होती है तो पेड़ों के नीचे अपना शरण ले रही हैं। अरे तुम गाय गाय करते हो तो गाय के कम से कम शरण तो देने का काम करो। झूठी राजनीति करने वाले व्यक्ति और ये हिंदू मुस्लिम करने वाले व्यक्ति, मंदिर और मस्जिद करने वाले व्यक्ति क्या समझेंगे किसी की आस्थाओं को? ये आस्था पे किसी के आस्था पे ठेस पहुँचाते हैं। मैं समझता हूँ कि इनसे बड़ा निष्कृत व्यक्ति अगर कहीं अगर देखा जाए इस धरती पे नहीं पाएंगे हम, और इनसे बड़ा पापी कोई नहीं पाएगा। आज बजरंग बली के दिन मंदिर पे और उनके प्रांगण में मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। आप यहाँ बात कर लीजिए कि जितने भी यहाँ पे हैं बैठे हुए, क्या ये हिंदू नहीं है? हम यादव हैं तो हिंदू नहीं है? RSS जो ये गैंग चला रही है, जिस तरीके से जो अफगानिस्तान में काबुल वाले को देखेंगे नहीं देखें ना, ये अफगानिस्तान को कब्जा कर लिए जो तालिबान लोग, उसी तरीके से RSS के वाले लोग हैं। ये किसी तालिबानी से कम नहीं है, ये RSS वाले लोग। आज हम बजरंग भक्त हैं, क्या हम बजरंग भक्त, हम यादव हैं तो क्या हम बजरंग भक्त नहीं है? हमारे नेताजी जो है बजरंग भक्त की जो हम पूजा करके तब अखाड़े में जाते थे, हम तब से मानने वाले लोग हैं। ये बजरंग दल खोल के बजरंग बली का भी नाम लोग उठा करते हैं, कहीं देखते हैं बंदूक तलवार, ये बजरंग दल वालों की, ये बजरंग बली ने नहीं किया है। उन्होंने इस देश को, इस सनातन को यहाँ पे पाप जब जब बढ़ाया है, उसको नष्ट करने के लिए वो आए हैं। ये पापी खुद है, इनको नष्ट करने के लिए हम लोग काफी हैं, आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं 2022 में। ये बताइए सर, लॉकडाउन लगा था, उत्तर भारतीय सब अन्य शहरों से भाग के आए थे, योगी सरकार बोली थी उनको हम रोजगार देंगे, रोजगार तो मिला नहीं, बेचारे बेरोजगार हो गए, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। मैं पिछले में पूर्व में प्रधान भी हूँ, प्रधान संगठन का जिला अध्यक्ष भी रहा। अपने जनपद जौनपुर की बात करूँगा कि जितने भी प्रवासी हमारे आए, हमारे परिवार के लोग आए जो बाहर रहते थे, आज भी मैं समझता हूँ उसमें से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 60% ग्रेजुएट व्यक्ति जो है फरसा उठा लिया। ऐसे देश में हम समझते हैं कि अगर वो वहाँ से फरसा उठाएं तो जीविकोपार्जन के लिए मनरेगा के तहत आज भी जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही, सही मजदूरी नहीं मिल पा रही, काम नहीं मिल पा रहा है। अगर इसको रिफंड अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानों ने किया है, ये फ्लॉप है। आज जान लीजिए कि जो भी उस समय आए पैदल आए, कितने मर गए, कितने परिवार बिछड़ गए, कितने लोग जंगल से निकले, जंगल में शेर बाघ सब खा गए, और कितने बच्चे दूध पीते हुए बच्चे, माँ के जब जो माँ खाने को नहीं पाई उस लॉकडाउन के समय में, उसको दूध भी नहीं उतरा, वो बच्चे दूध में, वो बच्चे दूध से पीने से, दूध के न पाने से भी मर गए कितने। ऐसी सरकार है, मैं समझता हूँ इतनी पापी सरकार आज तक हमने नहीं देखा है, जो मेरी जितनी उम्र है मैंने ऐसी पापी सरकार। सारी बहनें जो है अपनी भाई के कलाई में राखी बांधने जा रही थी, और ये कह रहा था कि हम गिफ्ट दे देंगे, फ्री कर दिए पूरे बस के जो हमारा किराया, मगर सारी बहनें अपने घर वहीं बस के अड्डे पे ही रह गई, भाई को रक्षा बांधने नहीं गए। ऐसे निर्दयी सरकार जो हमें चलाने वाले लोग, कभी किसी को समझने वाली सरकार नहीं हो। तो मैं समझता हूँ ऐसी सरकार को तो हटा ही देना ठीक है, ऐसी सरकार को रखना ठीक नहीं, जो गरीब का नहीं हुआ, जो भाई का नहीं हुआ, जो अपने देश के अपने प्रदेश का नहीं हुआ, ये खेत खलिहान के किसानों का नहीं हुआ, नौजवानों का नहीं है, उनकी आत्माओं को नहीं समझने वाले हों, जो देवी देवताओं पर राजनीति करने वाले लोग, मैं समझता हूँ ऐसे लोग इस देश को नहीं चला सकते। ये बंडा फोड़ कर दिए हैं, न विकास दिख रहा है, न कहीं किसान खुशहाल है, न नौजवान खुशहाल है, न तो फिर जो नौकरी करने वाले बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भविष्य है कहाँ। वो अपनी भविष्य की तरफ भी जो भाई नहीं उठा कर पा रहे हैं कि मैं जो माँ बाप मुझे पैदा किए, जिनकी लाठी की सहारा बनना चाहिए, आज वो अपने आप को ताड़ रहे हैं कि उस माँ बाप के लाठी का सहारा मुझे बनना चाहिए, मैं उनके सहारे पर हो गया हूँ। ये बड़ा ही दुखदाई है, प्रदेश हमारा जो है बहुत खुशहाल नहीं है। अच्छा, बहुत दुखद परिस्थिति में गुजर रहा है। अच्छा, ये बताइए सर, अभी मैं देख रहा हूँ आंगनबाड़ी जितनी कार्यकर्ती हैं सब जौनपुर में धरना प्रदर्शन कर रही थी 3 दिन पहले, उस पर आप क्या कहेंगे? अब धरना प्रदर्शन करते ही रह जाएं, ये ऐसी सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है,
ये किसी की बात सुनने वाली नहीं है। ये आप मत्था टेक के मत्था पटक के फोड़ डालिए, मर जाइए, उनको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपना ही नुकसान करोगे, अपने शरीर का नुकसान करोगे। अभी 2012 में जब अखिलेश जी की सरकार थी, यही जो मैं समझता हूँ सहायक टीचर लोग थे, यही सहायक टीचर जाके धरना प्रदर्शन कर दिए कि नहीं हमें 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 जो हमारा रेगुलर किया जाए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रेगुलर का तो वादा नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं आपके गेस्टेड अधिकारियों को जैसे पेमेंट दूंगा, 35,000 रुपया देना शुरू किया था। आज वो 12,000-10,000 रुपये आ गए हैं, मगर वो कौन किया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश, उनकी उनके दर्द को उन्होंने समझा, उन्होंने किया। और आंगनबाड़ियों का जो है उन्होंने ही उस समय था किया था कि जो आंगनबाड़ी हैं उनके लिए भी पेमेंट निर्धारित किया जाए, वो मानदेय के रूप में उनको भी दिया जाता है। और जो रसोइयाँ वाली होती हैं उनके ही राम में रिफंड किया गया कि MDM जो आता है बन के उससे बच्चे खाते हैं तो वो नुकसान होता है। इससे बढ़िया है कि प्रत्येक स्कूल में एक रसोइयाँ बनाया जाए और रसोइयाँ को जो उसमें उठा किया जाए, इससे भी नौकरी मिलेगी, उससे भी उनको राहत मिलेगी। अच्छा सर, ये बताइए प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री के आदेश पे हो रहा है कि प्रशासन अपने सही तरीके से कार्य कर रहा है? नहीं, प्रशासन तो देखिए सरकार के इशारे पे काम कर रही है, और प्रशासन में निष्पक्षता कहीं नहीं है। प्रशासन केवल ये लगे हुए हैं कि हम कितना बेहतर कर दें और हमें मलाईदार कुर्सी मिल जाए। ये बेहतर करने के चक्कर में आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। प्रशासन जो होती है ये देश की रक्षा करने के लिए होती है, एक एक जनमानस की रक्षा करने के लिए होती है, उनके आत्मसम्मान को बचाने के लिए होती है, उनके आज सम्मान को जो उठा करने के लिए। मगर आज देखिए यही प्रशासक के रूप में ही ये भक्षक बन के बैठे हुए कितने लोगों का नुकसान कर दिए, बहुत लोगों की हत्या कराने की साजिश भी इन्हीं के ऊपर लगता है। आज भी जो हमारे यहाँ चुनाव हुआ, देख लीजिएगा त्रिस्तरीय चुनाव जितने हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य से लेकर और फिर इसके बाद प्रमुखी वाले में, देखिए कितनी धांधली हुई है। हमें नहीं लगता जो आरोप लगाते हैं समाजवादी की सरकार में, कोई भी एक व्यक्ति हमको बता दे जिन्होंने पर्चा अपना नामांकन नहीं भरा हो। यहाँ तो नामांकन भी भरने नहीं दिया गया, बाहर से जो हम उनको जो हम उनका कपड़ा फाड़ दिया गया, उनको बेइज्जत किया गया। यहाँ तक कि हम लोगों ने महाभारत में सुना था, देखा था कि द्रौपदी चिरहरण, मगर हमने देखा है कि द्रौपदी चिरहरण जो आंखों देखा कि नहीं ऐसा इन लोगों ने किया। कौन किया उसको? यही सनातन धर्म मानने वाले लोग ही है ना, यही किए हैं ना, ये हिंदू बोलने वाले लोग हैं ना। ये महिलाओं की जब इज्जत नहीं कर सकते हैं, मैनपुरी में एक प्रमुख की दावेदार थी महिला जो है, पेट में बच्चा था उसके, उसको गोली मार दिया, बच्चा भी खत्म हो गया, माँ भी खत्म हो गई। इतनी हत्यारी सरकार है ये, इतनी हत्यारे जो ये प्रशासन के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रशासन और ये शासन, ये दोनों जो चल रही हैं, हमें नहीं समझ में आता कि हम तो अंग्रेजों की बात तो सुने ही थे, मगर ये हिटलर शाही जो मैंने सुना है उससे भी ये गए गुजरे लोग हैं। मैं हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ, अगर मैं इन्हीं जो BJP वालों से पूछता हूँ, ये बता दें कि भारत माता के सिवा और किसी देश में माता लगा हो, तो मुझे बता दें, ये ममतामय देश है, ये ममतामय देश है। यहाँ पे ममता से, यहाँ से धर्म से, यहाँ के नदी नालों का भी पूजा होता है, यहाँ पेड़ पौधों का पूजा होता है, माँ का नाम लेके स्मरण करते हैं हम लोग। ऐसे देश में रहने वाले लोग, ये पापी लोग जो हैं, ये पाप फैला रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए, आपकी सरकार इतना काम की थी, लेकिन 2017 में इतनी बुरी तरह हारी क्यों? हाँ, ये बात बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हम जो है जनता को बहकाने नहीं जानते, हम झूठ नहीं बोलना जानते, हम झूठे वादे नहीं करते। अगर हम अगर हारे हैं तो ये 15 लाख रुपया सबसे पहले आया था वो एम्स में, फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और ये MPPS में जो हम सबसे ज़्यादा बेहतर जो कार्य करके देंगे, हम सबसे अच्छा जो अरे सब लोगों को मकान बना के देंगे, हम सबसे अच्छा जो किसानों को जो डबल दुगने दाम देंगे। क्या दिया इन्होंने? किसान बैठा हुआ है। देश में ये पहली बार इस तरीके से हुआ है कि जो किसानों का इतना लंबा जो है ये धरना प्रदर्शन चला, शायद किसी भी सरकार में इतने लंबे धरने प्रदर्शन नहीं चले होंगे जितना इनके में चले होंगे। ये गूंगी बहरी सरकार, हम कहते हैं कि वो भी तो अन्नदाता हैं, उनकी बात सुन लेते तो समझ में आते हैं। तो आप इसी से आकलन लगा लीजिए कि ये कितनी निर्दयी सरकार है कि जो कि लोगों की मेरे बात नहीं करना चाहती, लोगों को बात सुनना नहीं चाहती, लोगों से जो रूबरू नहीं होना चाहती है, लोगों के पास आना नहीं चाहते। 7 साल की सरकार हो गई, आप मीडिया साथी हैं, आपके भी और लोग साथी होंगे, प्रधानमंत्री एक भी बार मीडिया के सामने आके किसी का भी संबोधन किया हो और उनसे जो डायरेक्ट जो वार्तालाप होकर डिबेट किया गया हो और कोई भी प्रश्न पूछा हो, किसी मीडिया में दम है क्या? पूछ लें प्रधानमंत्री से कि कह दें कि आज इस पे बात करनी है हमको, तो प्रधानमंत्री से बात कर लें तो मैं समझ जाऊं 7 साल हो गया कभी भी मीडिया के सामने रूबरू नहीं हुए।
और झूठे लोग इनके जितने होते हैं वो डिबेट करने बैठ जाते हैं और झूठ की झूठ बात बोल के पुलिंदाओं को तार तार कर देते हैं। और उसी मीडिया वाले जो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, आज वो गोदी मीडिया जो है ये देश में जो प्रचारक बन के काम कर रही है। सबसे बड़ी बात सर, आपने कहा गोदी मीडिया, अक्सर मैं क्षेत्र में जाता लोग गोदी मीडिया कहते, आखिर क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए कहते हैं कि इस देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री का नाम तो है, परंतु इस देश को जो चला रहा है वो अगानी अंबानी है। ये अगानी अंबानी अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये उन्हीं की मीडिया है। जी न्यूज़ देख रहे हैं, जी न्यूज़, अरे वो जो भी चल रही हैं, आज तक चल रही हैं, ये बड़े बड़े जितने न्यूज़ चैनल चल रहे हैं अगानी अंबानी चला रहे हैं, इसलिए उसको गोदी मीडिया कहा जाता है। ये बताइए सर, 2022 में आपका क्या, कितने सीट ला रही है आपकी सरकार समाजवादी? हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनता से हम उपेक्षा करके रखे हुए हैं, जनता ही हमारी सब कुछ है। जनता आज भी के डेट में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट जो है समाजवादी कोट करने जा रहा है सबसे ज़्यादा। और मैं अपने बल पर नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव-गांव तक चल रहा हूँ, लोगों तक जाके मिल रहा हूँ, उनकी आवाज़ को कह रहा हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व की सरकार बनेगी।